आप पहले अपना आईना देखना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। आपने कैसे मलखान बिश्नोई जी से लेकर कैसे मदरणा परिवार को आपने क्या किया, मैं बताओ कि जिस पार्टी के पीसीसी चीफ रहते हुए आप सत्ता में आए, उनको कैसे किनारा करके आप मुख्यमंत्री बने, कैसे उनकी आपने पीछे एजेंसियों को, जो अपराध रोकने में एजेंसियां लगनी चाहिए वो उनकी सीआईडी करने में लग गई, ये किससे बात करते हैं, ये किसके पास जाते हैं, इनके पास कौन आता है, कौन इनके विधायक संपर्क में है, उन्हीं को आपने नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा। देखिए, अशोक गहलोत जी ने पिछले 4.5 वर्षों में झूठे सच्चे बयान देने के अलावा किया क्या है? सिर्फ कहीं कहीं झूठी बयानबाजी, लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। और कहीं कहीं केंद्र के ऊपर कैसे आरोप, झूठे आरोप डालना, मैं सोचता हूं कि इनकी कमियों को छुपाने के लिए इस सरकार में अभी तक के सबसे महाभ्रष्ट सरकार है, उस सरकार के मुखिया हैं अशोक गहलोत जी। आपको आपके कार्यालय में जो भ्रष्टाचार का पैसा मिला है उसके बारे में बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यकाल में इतने पेपर लिखे हुए हैं और सीधे रूप से आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। डॉक्टर जारोली जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार होने के बाद सीधे रूप से आरोप लगाया कि मैं 1.5 करोड़ रुपया दे के सदस्य बना हूं। तो कहीं कहीं राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप मुख्यमंत्री जी आपने किया है। और जिस प्रकार से बिजली खरीद हो, चाहे पोषाहार में भ्रष्टाचार हो, चाहे जल जीवन में पोषाहार हो, चाहे सड़कों में भ्रष्टाचार हो, हर विभाग में, और ये मैं एक विपक्ष के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं इनके पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के मंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सरकार में 50% के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। और ये राजस्थान की आम जनता जान चुकी है कि बजरी माफियाओं के साथ राजस्थान की सरकार खड़ी है, अपराधियों के साथ राजस्थान की सरकार खड़ी है, भ्रष्टाचारियों के साथ राजस्थान की सरकार खड़ी है, दुष्कर्मियों के साथ राजस्थान की सरकार खड़ी है। आज इतने दुष्कर्म आपके राज में, और आप उन दुष्कर्मियों के लिए कहते हैं कि फर्जी घटना है, 50% मामले फर्जी है। सीपी जी, बार बार वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस आवाज उठाती है, कहती है कि वसुंधरा राजे को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गहलोत साहब खुद बोल चुके हैं कि वसुंधरा राजे को आगे लाओ अगर हमसे मुकाबला करना है। देखिए, आपको आप पहले अपना आईना देखना चाहिए, अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। आपने कैसे मलखान बिश्नोई जी से लेकर कैसे मदरणा परिवार को आपने क्या किया, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सम्मानीय नेता है वसुंधरा जी, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हर बैठक में, हर कार्यक्रम में हमारे सबका मार्गदर्शन करती हैं और वो आगे भी करती रहेंगी। लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में बताओ कि जिस पार्टी के पीसीसी चीफ रहते हुए आप सत्ता में आए, उनको कैसे किनारा करके आप मुख्यमंत्री बने, कैसे उनकी आपने पीछे एजेंसियों को, जो अपराध रोकने में एजेंसियां लगनी चाहिए वो उनकी सीआईडी करने में लग गई कि ये किससे बात करते हैं, ये किसके पास जाते हैं, इनके पास कौन आता है, कौन इनके विधायक संपर्क में है, उन्हीं को आपने नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा। हमने तो नहीं कहा, ये हमारी पार्टी में संस्कार नहीं है। हमारी पार्टी में हर नेता का सम्मान है और उन सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ही चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, और आपने स्वयं मुख्यमंत्री रहते और आपका पुराना इतिहास रहा है, आपने सबको ठिकाने लगाने का काम आपने किया है। हमारी पार्टी में तो सबको सम्मान दिया जाता है और सब सम्मानित है और उन्हीं के मार्गदर्शन में इलेक्शन होता है। बार बार सवाल ये भी उठता है कि जो समितियां बनाई गई हैं भाजपा के द्वारा, उसमें वसुंधरा राजे को सम्मिलित नहीं किया गया है, भले ही वो चुनाव प्रबंधन समिति हो, संकल्प पत्र समिति हो, तो क्या आने वाले समय में जो परिवर्तन यात्रा की बात बीजेपी कर रही है, क्या उसमें वो शामिल होंगी? देखिए, चुनाव प्रबंधन में जो इलेक्शन मैनेजमेंट को कार्यालय में बैठ के उनका संचालन करना है वो उनमें है। निश्चित रूप से रथ यात्रा में, चाहे आगामी कार्यक्रमों हो, सभाओं में हो, आदरणीय वसुंधरा जी का हर समय हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। आज भी यात्रा के संबंध में चर्चा हुई तो काफी देर हम सब लोगों की डिस्कशन हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को और अशोक गहलोत जी का अपना आईना दिखाना चाहिए। आप वही है ना जिनके मेहरबानी से आप मुख्यमंत्री बने और दिल्ली वालों ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, तो उनको ठेंगा किससे दिखाया था? एक आखिरी सवाल जोशी जी, उनको आपने औकात दिखा दी, पार्टी मैं चलाता हूं, अब आप मुझे हटा नहीं सकते। तो ये संस्कार आपके हैं, आप अपना
अपनी पार्टी को आईना देखिए, हमारी तरफ हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल सर, इस साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या राजस्थान में बीजेपी एक मुख्यमंत्री पद के चेहरे के साथ जाएगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, देश नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे मजबूत नेतृत्व, और जिनके ऊपर देश नहीं दुनिया विश्वास और उनका नेतृत्व स्वीकार करती है, जैसा कि हम 1.5 वर्ष पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय जो किया, उसी आधार पर जहां चुनाव होंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसमें सब लोगों को स्वीकार है। और आज हमारे पास जो नेतृत्व है, जो चेहरा है, वो देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, जिनके ऊपर देश की जनता का अगाध विश्वास है। हर गरीब का, महिला का, युवा का, किसान का, दलित का, आदिवासी का, हर वर्ग में अटूट विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसा चेहरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं। साफ करते हुए बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा किसी और पार्टी के पास नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं इन्होंने बातों बातों में कह दिया है कि बीजेपी राजस्थान में चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन।